तो भाई आज तुम लोगों को मैं बताना चाहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने अपनी ज़िंदगी से क्रिकेट को क्यों निकाला। अब क्रिकेट मैं बहुत ही ज़्यादा खेलता था, मेरी बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती थी क्रिकेट खेलने की। मैं रात और दिन क्रिकेट ही खेलता रहता था, अपने बाप से मैं बैट मांगता था, पैसे लेता था, उसके बाद में मार भी खाता था, लेकिन बैट लेके आता था और क्रिकेट खेलने जाता ही था। तो ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी से क्रिकेट को ऐसे बाहर निकाला जैसे कि चाय में कोई मक्खी। तो तुम लोगों को इस वीडियो में यही पता चलने वाला है। बहुत ही फनी इंसिडेंस था ये, बहुत ही ज्यादा मतलब तुम लोगों को सुन के मजा आएगा। तो भाई देखते रहो अभी आगे। तो भाई आज ये कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है, तुमको मैं मेरे बचपन की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक कहानी है। बकवास कर रहा हूँ, बहुत ही चूतिया सी कहानी है, लेकिन तुमको सुन के बहुत ज्यादा मजा आएगा ऐसा मुझे विश्वास है। अंदर से मेरी कण के अंदर से मुझे विश्वास है कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुआ था, लेकिन मेरे दोस्तों को बहुत ज्यादा मजा आया था उस वक्त। अब तुम लोगों को मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चलो भाई। तो भाई मैं था बहुत ज्यादा गरीब, मतलब था नहीं, हूँ अब भी हूँ मैं गरीब, गरीब तो पहले से ही हूँ मैं, दिल से भी और वैसे भी। तो भाई क्या होता था ना, मैं तो भाई अभी गरीब हूँ। अब गरीब लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं स्कूल से। अब स्कूल कौन सा होता है, जो कि जिला परिषद वाला स्कूल होता है, जो कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट वाला स्कूल होता है कि नहीं। तो पहली से सातवीं कक्षा तक मैं कहाँ पढ़ा था, गवर्नमेंट स्कूल में। अब गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है ना, बहुत ही बढ़िया टीचर्स होते हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। मेरा जो गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पे क्या होता था ना, हर साल कोई ना कोई बढ़िया सा बंदा आता था। बढ़िया सा बंदा मतलब हर साल में एक बार एक जादूगर आता था, एक मैथमेटिशियन आता था और एक कोई स्वच्छता वगैरह पे संदेश देने के लिए आ जाता था। अब जादूगर आता था, हमको चूतिया बना के चला जाता था। अभी मैथमेटिशियन था वो तो उसी के नशे में रहता था, क्योंकि हमको तो मैथ में कुछ आता नहीं था, हम तो पहले से ही चूतिया बैठे थे उधर, है कि नहीं। लेकिन उसके बाद में आता था एक बहुत ही बढ़िया बंदा, मतलब क्या होता था, ये सिर्फ और सिर्फ हमको स्वच्छता वगैरह के बारे में संदेश देने के लिए आ जाता था कि भाई तुम अपने हाथ अच्छे से धोया करो, घर वगैरह साफ रखा करो, आंगन बढ़िया सा साफ सफाई करते रहो और अच्छे बर्तन में खाना खाओ, नाखून वगैरह साफ करो, बाल वगैरह साफ करो, अपनी आंखें ऐसी करो वैसी करो, और वो जीभ के ऊपर जो मैल लगा हुआ है वो भी साफ करा करो, है कि नहीं, इससे बीमारियां वगैरह फैलती है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने सोचा भाई ये बंदा इतना बता रहा है, इसके खुद के दांत ही इतने काले हो चुके हैं, तो ये अपने को क्या संदेश देगा, है कि नहीं। तो उसका सब कुछ खत्म हो गया, वो जादूगर ने हमको सब चीजें बताई, बताया कि तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अच्छे से साफ करो, ये करो, वो करो। उसके बाद में वो क्लास के बाहर चला गया और भाई साहब पता नहीं उसको क्या सूझा, वो अंदर आ गया वापस और फिर बोलने लगा, तुम में से बाहर हगने कौन जाता है। तो भाई हम तो सब गरीब थे, हमने सबने हाथ ऊपर कर दिए कि भाई हम सभी जाते हैं अगने बाहर। तो उन्होंने बोला कि कहाँ जाते हो, हमने बोला खेत में जाते हैं भाई, और कहाँ जाएंगे, तुम्हारे घर में। तो उसने बोला तो जब भी तुम हगने जाया करो ना, तो एक काम करना, हगने बैठने से पहले तुम लोग एक छोटा सा गड्ढा खोदा करो, उसके बाद में क्या करो, वो गड्ढे से जो मट्टी निकली वो बाहर रहने दो, उसके बाद में उस गड्ढे में हगने बैठ जाओ। उसके बाद में काम हो गया तो उस मट्टी को ऐसे जैसे कुत्ता अपनी टट्टी को ऐसे छुपा देता है ना, तुम भी वैसा ही करो। तो हमने बोला ठीक है भाई, आपने बताया ऐसा तो हम कर लेते हैं, कि नहीं। तो हमने 15-20 दिन तक वो सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर क्या हुआ ना, हम हगने वही बैठते थे जहाँ की हम क्रिकेट खेलते थे। तो भाई हम बाउंड्री के ऐसे आसपास हमने अपनी टीम बना रखी थी कि भाई हगने बैठना है तो ऐसा गड्ढा खोदना है तो बाउंड्री के बाहर, लेकिन अगर बाउंड्री के अंदर किसी ने खड्डा खोदा और उसमें हगने बैठा तो उसकी कब्र हम खोद देंगे, ऐसे हमने वहाँ पे शपथ ले रखी थी। तो भाई ठीक है, सब कुछ चल रहा था, कम से कम 15-20 दिन हमारे हो चुके थे। तो भाई 15-20 दिन के बाद हम गए क्रिकेट खेलने के लिए, हम रोज क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। तो उस दिन भी हम क्रिकेट खेलने के लिए चले गए, भाई एक बंदे ने बहुत ही ऊंचा शॉट मारा था एकदम, मतलब तो भाई ऊपर आसमान था, आसमान में सूरज भी था, तो मेरी आंखों में कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो बॉल जो था ना वो तो मेरे को दिखाई नहीं, तो वो कैच लेने के चक्कर में मेरा पैर पड़ गया उस गड्ढे में। तो बॉल तो मैंने पकड़ ली थी, लेकिन उस टट्टी ने मेरे पैर को पकड़ लिया। भगवान, अरे शर्म करो। नहीं। तो उसके बाद में जो ऐसा मैंने पैर को हिलाया, ऐसा मेरे को लगा, तो मेरे को लगा भाई मैंने फेविकॉल पे पैर रख दिया है किसी के। तो भाई बहुत ही घिनौनी ये चीज थी, मेरे साथ हुई थी। तो उस दिन से मैंने आज तक कभी भी क्रिकेट को हाथ नहीं लगाया है, मतलब बैट को हाथ नहीं लगाया। तो ये टट्टी जैसी स्टोरी थी मेरी, एक छोटी सी बचपन की। मुझे पता है तुम लोगों को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन भाई अब क्या ही कर सकते, मेरे पास भी करने के लिए कुछ था नहीं, अब कुछ भी चल नहीं रहा मेरा, है कि नहीं। चैनल वगैरह तो अपना चल नहीं रहा, तो मैंने सोचा भाई कुछ बकचोदी कर लेते हैं, है कि नहीं। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।